हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडीआर पर। मैं हूं आपका रेल दोस्त रोही। अब पहली बार बाड़मेर और जैसलमेर से जुड़ने जा रहा है जम्मू। बाड़मेर और जैसलमेर वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आती है, तो आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रेन को और किस रूट से चलाया जाएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो रेल की छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। बाड़मेर और जैसलमेर की कनेक्टिविटी अब जम्मू तवी से होने जा रही है। इससे अलावा बाड़मेर और जैसलमेर और बड़े शहरों से जैसे मेरठ सिटी, सहारनपुर, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट से जुड़ने जा रहा है। ट्रेन नंबर 14,659 और 60 दिल्ली और जैसलमेर के मध्य चलने वाली रुणीचा एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन 14,645, 14,646 दिल्ली जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों को मर्ज कर अब एक ही नंबर से चलाया जाएगा। वैसे भी ये दोनों ट्रेनें रेक शेयर करती हैं और रुणीचा एक्सप्रेस के साथ लिंक करने वाली ट्रेन मालानी एक्सप्रेस को अलग किया जाएगा। मतलब जम्मू से जैसलमेर के बीच सप्ताह में 4 दिन चलाया जाएगा और बाकी के 3 दिन बाड़मेर से जम्मू तवी के बीच चलेगी। और जैसलमेर से जम्मू तवी ट्रेन का नया नंबर 14,623 और 14,624 और बाड़मेर जम्मू तवी का नया नंबर 14,625, 14,626 रहने वाला है। और प्लीज़ इन ट्रेनों के नंबर से अभी शेड्यूल और टाइम मत देखना, क्योंकि अभी इन ट्रेनों के नंबर से फिरोजपुर इंटरसिटी और छिंदवाड़ा पतालकोट एक्सप्रेस ट्रेन का दिखाएगा, क्योंकि अभी नया टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। ये सभी बदलाव नया टाइम टेबल जारी होने के बाद ही होंगे। जम्मू तवी से दिल्ली का बीच का टाइम टेबल सेम ही रहेगा, मगर जैसलमेर या बाड़मेर से दिल्ली के बीच का टाइम टेबल में बदलाव किया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस अपडेट को लेकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।